नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चरल सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की हम लोग क्विज देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करते हैं उसे और फॉलो कीजिएगा, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये, मैं कई बार वैसे भी रिमाइंड करा चुका हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जम्मू कश्मीर जो यूटी बन गया है हमारा, तो वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में बारामूला स्टेडियम का नाम बदल के किन के नाम पर कर दिया है। तो हमारे इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी, ठीक है, तो इनके नाम पे इसको रीनेम किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया सेंटर, जो भारत सरकार की योजना है, उसके तर्ज पर खेलो यूपी सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। तो ये सेंटर जो है किस स्तर पर खोला जाएगा, तो जो है ये यूपी में जो जिले हैं तो जिले के बाद ब्लॉक होता है ना, बी ऑप्शन को चुनेंगे। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार इसमें से कौन बनी है, तो जो है ये महिलाओं में, मतलब कि जैसे आजकल कई सारी पोस्ट पे पहली बार जो है आर्मी में पोस्टिंग्स हो रही हैं, तो उसी में से सूबेदार पे हवलदार प्रीति रचक, ठीक है, इनकी पोस्टिंग है। तो महिलाओं से संबंधित चीज़ें जो पहली बार हो रही हैं इस वजह से वो इम्पोर्टेंट होती हैं। 69th फिल्मफेयर अवार्ड 2024 जनवरी के महीने में दिए गए, तो किसको जो है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो ये है डेविड धवन, पहला ऑप्शन। हाल ही में किस देश ने महदा, कहान 2 और हथ 1, ये तीन जो है सैटेलाइट्स हैं, इनको सक्सेसफुली प्रक्षेपित किया है ना, तो ये जो है ईरान से संबंधित है, ऑप्शन बी। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जीत करके अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, तो जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के महीने में होता है, साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और डेनियल मेदवेदेव को इन्होंने हरा करके जीता है, कौन है ये, जैनिक सिनर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दवा कंपनी को जेनेरिक, एक जो मिर्गी की जो बीमारी होती है, तो मिर्गी रोधी दवा है ये लैकोसामाइड टैबलेट, ठीक है, इसको डेवलप किया है, तो इसके जो है मार्केटिंग के लिए अमेरिकन जो खाद्य और औषधि प्रशासन है इसकी मंजूरी मिली है। इंडियन जेनेरिक जो मेडिसिन हैं इसका मार्केट वैल्यू है ना विश्व स्तर पे काफ़ी बड़ा है, तो उसी में से एक दवा ये डेवलप की गई है एंटी है ना, ये एपिलेक्टिक, तो ये कंपनी जो होती है जाइडस लाइफ साइंस, थोड़ा इसके बारे में चाहिए तो अलग से पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक ये समूह है IUCN काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इन्होंने पहली बार हिमालयन वुल्फ इसको रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है, तो ये ध्यान रखेंगे कि हिमालयन वुल्फ, देखिए IUCN की कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे यहाँ पे क्या है असुरक्षित यानी कि वल्नरेबल में इसको शामिल किया है इन्होंने, तो ये यहाँ तक की बात इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये पूछा था कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर, तो ये ग्लैंड में है, ठीक, ग्लैंड कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। अब देखिए कुछ ये बुक्स हैं और राइटर है ना, तो कौन सा पेयर गलत है, RC दत्त का लिखा है भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इसमें से कौन सा शासक पहला भारतीय मूल का शासक था जिसने अंग्रेजों के द्वारा जो सहायक गठबंधन सब्सिडियरी अलायंस ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, तो इस प्रणाली को स्वीकार किया था, तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, निज़ाम अली खान ये पहले थे। इसमें से कौन सा नेता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सृजन से जुड़ा हुआ था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1934 के अराउंड जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा की गई, और इसमें
ये आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया ये दोनों ही जुड़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो नाम ही हमारे उत्तर होंगे, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से कौन नेपाल भागने में सफल रहा। तो 57 की क्रांति है, उसमें अक्सर पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से कौन लीड कर रहा था उस मूवमेंट में। तो अब ब्रिटिशर्स से बचने के उसमें क्रम में कह लीजिए नाना साहब और ये अवध की बेगम, ठीक है, हजरत महल, ठीक, ये लोग नेपाल जो है भागने में सफल रहे थे। तो 2 और 3 किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी आपको पता है 1930, 31 और 32। तो 30 वाला जो है ये कौन था इस टाइम, रैमजे मैकडोनल्ड, ऑप्शन बी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसमें से किस नेता ने इसमें भाग नहीं लिया था, तो मेनली कांग्रेस और जो अन्य पॉपुलर लीडर्स रहे थे वो सब सेकेंड में ही पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। पहले और तीसरे में कुछ लिमिटेड लोग ही हैं, तो गांधी जी का नाम यहाँ पे चुनेंगे हम, ठीक है, ये सेकेंड वाले में गए थे। जुलाई अगस्त के मौसम में महीने में कह लीजिए बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं, तो तेलंगाना। अगला है किस देश की राजधानी प्राग में 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया था। एनसीईआरटी में भी ये लाइन सीधे सीधे लिखी है कि एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है इसकी बैठक हुई 2006 के इस महीने में प्राग चेक रिपब्लिक में, ठीक है, और यहाँ पे प्लूटो को ग्रहों की जो पूरी कह लीजिए सारी कंडीशन फुलफिल ना कर पाने के कारण उसको ग्रहों की सूची से बाहर किया गया, तो उसके बाद 8 ग्रह की संख्या बच गई, ठीक है। तो ये चीज़ पूछी जाती फैक्ट के रूप में किस वर्ष में ऐसा हुआ, 2006 में। कौन सा युग्म सुमेलित है, फिलॉसफी और उससे संबंधित व्यक्ति का नाम, तो तीनों ही ठीक है। फिर से देखें कौन सा युग्म सुमेलित है, फिलॉसफी और संबंधित व्यक्ति का नाम, ये सब याद कर लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी सारे ठीक हैं। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, रिवर्स का नाम लिखा है और ऋग्वैदिक कालीन नाम लिखा है ना। तो झेलम का नाम था वितस्ता, है ना, सिंधु गलत है। अब इसमें फिर से पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, तो यहाँ पे देखिए अब सारे ठीक हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कुछ टेंपल्स के नाम लिखे हैं और किस स्टाइल में उसका निर्माण हुआ है। लिंगराज टेंपल काफ़ी पॉपुलर है, इसकी एक शैली है देउला, है ना, ये पूछते हैं उस स्टाइल में बना है। आपको जरा ये बताना है हमें कि ये कहाँ स्थित है, कॉमेंट करके बताइए। फिर से कुछ टेम्पल हैं और सुमेलित क्या नहीं है उसके बारे में। बैकुंठ पेरुमल टेंपल है ना, ये जो है तमिलनाडु में है, तो तमिल जाहिर सी बात है साउथर्न इंडिया के टेंपल हमारे द्रविड़ियन स्टाइल में होते हैं, तो ये भी उसी में है। वेसर तो ये नॉर्थ इंडिया वाला हो गया ना। फिर से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो खजुराहो के मंदिर जो है ये भी नॉर्थ इंडिया के हैं, है ना, तो नॉर्दर्न टेम्पल्स हमारे नागरा शैली में होते हैं, ठीक है। ये प्लीज नागरा शैली, वेसर और द्रविड़ियन तीनों के बारे में पढ़िएगा, अक्सर पूछ लेते हैं इससे क्वेश्चंस। अन्य विकल्प जो है वो ठीक है। कुछ विश्व की पॉपुलर लेक्स का नाम लिखा है और उनके संबंध में फैक्ट कि वो क्यों पॉपुलर है या उसके बारे में क्या चीज़ है, तो ऐसे यहाँ पे ए बी सी और डी, उसके नीचे नीचे देखना है, तो पहला विकल्प ही ठीक है, सब कुछ सामने सामने लिखा है, इसको एक बार देख लीजिए पॉज करके। अगला है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, डी विकल्प में लिखा है वर्ल्ड अर्थ डे, ये 22 अप्रैल को होता है ना। फिर से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पंचायती राज डे, नेशनल पंचायती राज डे इंडिया में मनाते हैं 24 अप्रैल को। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के टॉपिक्स भी पढ़ने ज़रूरी हैं, उस एक क्वेश्चन देखते हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन में है ना प्रोड्यूसर, कंपोजर, डीकंपोजर, ऑटोट्रॉफ, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, तो उसी के क्रम में अब कहा गया है कि अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ, तो देखिए इनिशियल हमारा क्या होते हैं फूड चेन में, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो अब ज़्यादातर ये चीज़ें क्या हैं, पेड़ पौधे ही तो हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना फूड बनाते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस हमें यहाँ मिल रहा है। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है, पंबन आइलैंड, इसको देखेंगे साउदर्न टिप ऑफ इंडिया और श्रीलंका इसके बीच में, ठीक है, मैप पर लोकेट कीजिए। सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी,
तो कश्मीर का एक जो है एक सुलेखन करता था मोहम्मद हुसैन, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट में इसका नाम लिखा है, इसको दिया गया था जरी कलम या फिर इंग्लिश में गोल्डन पेन कह सकते हैं, ये टाइटल का अर्थ है। आगे देखिए कौन सा एक पेयर सुमेलित नहीं है, इसमें राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश लिखा है, गलत है, ये राजस्थान हो जाएगा। एक समूह है टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, इनके द्वारा भारत में 2024 के शीर्ष नियोक्ता संस्थान के रूप में किसको प्रमाणित किया गया है ये बताना है, टॉप एम्प्लॉयर, तो ये था हमारा ये NTPC लिमिटेड। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में खोला जाएगा, तो इसका जो है फाउंडेशन स्टोन कह लीजिए में शामिल रहे थे इंडिया के जो ये हैं, हेल्थ नहीं आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है, तो असम में ही इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, ऑप्शन डी। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का एक आयोजन था इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदर वेट, तो ये जीता था भारत की तरफ से, ये मनदीप जांगड़ा करके खिलाड़ी हैं, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो गांधी जी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को, तो 30 जनवरी को ये डे ऑब्जर्व करते हैं। सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है ये बताना है, तो ये करीब 130 जो है ऐसे व्हीकल्स के साथ ये एक तरीके की फोर्स डिज़ाइन की गई है कि पंजाब राज्य में जो ये ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केसेस हैं और ओवर स्पीडिंग इन पे जो है चेक हो सके और लगाम लगाई जा सके। नेक्स्ट है भारत का पहला शोध आधारित IIT सेटेलाइट कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इसके एस्टेब्लिशमेंट का शहर है ये उज्जैन, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है, लेप्रोसी एक बीमारी होती है तो उसके इरेडिकेशन का डे ऑब्जर्व करते हैं लास्ट संडे ऑफ जनवरी, तो 2024 में ये मनाया गया है 28 जनवरी को, थीम था बीट लेप्रसी। जनवरी 2024 में भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राई दिल्ली में जो स्थित है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अनिल कुमार लाहौटी, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। किस मंत्रालय की झांकी ने 75वें गणतंत्र दिवस पर पहला पुरस्कार जीता है, तो दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है उस पर परेड होती है ना, पहले राजपथ के नाम से जानते थे इसे, तो इसमें मंत्रालय की जो झांकी पहला प्राइज पाई है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है। राज्य वाइज क्वेश्चन में पूछने किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार उस कैटेगरी में जीता है, तो उड़ीसा राज्य की झांकी, दोनों चीज़ को ध्यान रखना है। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं किस देश के बीच आयोजित होती है, तो क्या सुमेलित नहीं है, पहला ही गलत है, नोमैडिक एलिफेंट वियतनाम इंडिया नहीं बल्कि इंडिया और ये मंगोलिया। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है फिर से, तो संप्रीति है ना, ये एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, अभी जैसे 2023 में आयोजित हुई थी इसमें मेघालय में, टिक। इसमें से विश्व विरासत स्थल की सूची में जो स्थल लिखे हैं कब शामिल हुए, तो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट होती है, अभी 2023 में भी जैसे कई सारी साइट्स इंक्लूड हुई हैं, तो आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल, ये चारों इंक्लूड हुए थे 1983 में। इसमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, इसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा, सबसे बड़ी बाउंड्री इंटरनेशनल जो है वो बांग्लादेश से आती है 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की, इसमें वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम, ठीक, ये राज्य हैं जो शेयर करते हैं, मणिपुर नहीं होगा। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन, तीन देशों से लगती है, सिक्किम ये राज्य जो है ना, इधर नेपाल, भूटान और चाइना, ठीक है, मैप पे इन चीज़ों को लोकेट कर लीजिए तो वहाँ से ये क्लियर रहेगा। भारत में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है, तो कोई ऐसा डिस्कवरी जो कि बायोलॉजिकल है, मतलब चीज़ों का हो, है ना, डिस्कवरी या इन्वेंशन,
तो ऐसे प्रोडक्ट को अगर पेटेंट प्रदान किया जाता है तो 20 वर्ष होती है, वैलिड होता है। एक क्वेश्चन जरा ये बताइएगा, किसी प्रोडक्ट को जो GI टैग मिलता है, GI टैग की वैलिडिटी क्या है, ये जरा आप हमको कमेंट करके बताइए। इसमें से जो स्थल लिखे हैं ये विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुए, नालंदा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स एक है ना, जो आर्किटेक्चरल एक कह लीजिए बिल्डिंग्स का समूह है, चंडीगढ़ में जो स्थित है, ली कॉर्बूज़िए के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये साइट्स इंक्लूड हुई थी 2016 में, ठीक। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया आज का वीडियो, सारे क्वेश्चंस को आपको देखने हैं, जो पूछे गए उसको कमेंट करके भी बताना है। हमारे जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन है उसको आप चाहें तो डाउनलोड करें, कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, 31 मई तक अवेलेबल हैं, और फुल पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं, या टेस्ट सीरीज, या सिर्फ पेड क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहें, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एडमिशन के प्रोसेस की। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।